इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने वूट एप्लीकेशन से अपने टीवी में स्क्रीन कास्ट करना चाहते हैं, कोई भी वीडियो को अपनी टीवी में स्क्रीन कास्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में आ जाना है और फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको कनेक्शंस में आना है और अब आप वाईफाई में आ जाइए। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, तो आपको भी अपने फ़ोन में वाईफाई इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने टीवी में आ जाना है और रिमोट से यहाँ पर आप टीवी की सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पे चले जाइए। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाईफाई ये वाला मेरे फ़ोन में कनेक्ट है, तो आपको अपनी टीवी में भी सेम वाईफाई कनेक्ट करना है, ठीक है। आप इसे कनेक्ट कर लें, अगर आपकी टीवी और फ़ोन में सेम वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो आप कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरी टीवी में और मेरे फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट हो गया है सेम। तो अब मुझे अपने फ़ोन में आना है और वूट की एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यह आइकन दिख जाएगा कास्ट का, इस पर क्लिक कर ले और यहाँ पर आपको कास्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, टीवी का नाम दिख जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर ले तो आप देखेंगे कि आपकी टीवी में यह कास्ट होना शुरू हो गया है। अब क्या करिए, आप अपने फ़ोन में जो भी वीडियो आपको देखना है अपनी टीवी में उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और वॉच नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वॉच नाउ पे क्लिक करा, ये टीवी में कास्ट होना शुरू हो गया है और मैं यहाँ से फ़ोन से बंद भी कर देता हूँ फ़ोन को, तो ये टीवी में चालू हो जाएगा।